फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अश्वगंधा रिस्ट सिरप के बारे में। ये कब इस्तेमाल की जाती है, क्या यूज होता है और इसको आपको कैसे इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले जान लीजिए अश्वगंधा रिस्ट सिरप कौन कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करते हैं। तो अश्वगंधा रिस्ट जो सिरप होती है उसका इस्तेमाल जोश में कमी, खून में कमी, कमजोरी, तनाव, थकान, शुक्राणुओं की कमी, नापुंसकता एवं थकान और शरीर में जब बेचैनी होती है तो उस समय इस सिरप का इस्तेमाल कराया जाता है। अगर बात की जाए अश्वगंधा रिस्ट सिरप की, तो अश्वगंधा रिस्ट सिरप डाबर, वैद्यनाथ अलग अलग कंपनी की आपको मार्केट में मिल जाती है। लेकिन अगर बेस्ट रिजल्ट की बात की जाए तो अश्वगंधा रिस्ट सिरप आप डाबर या वैद्यनाथ की ही इस्तेमाल करें, क्योंकि डाबर और वैद्यनाथ दोनों ही बढ़िया कंपनी है और दोनों के अच्छे रिजल्ट होते हैं। आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारी कंपनियां आपको झांसे में लेती हैं और वह सही मात्रा में मेडिसिंस ना मिलाने के कारण, सही मात्रा में दवाइयां ना मिलाने के कारण रिजल्ट नहीं आते हैं और कस्टमर को झांसे में लेते हैं, जिससे कि कस्टमर का विश्वास टूट जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप कंपनी भी चेंज करके ज़रूर देखें। तो अश्वगंधा रिस्ट अगर सिरप की बात की जाए तो ये आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाती है। अगर बात की जाए ये आपको कितने पैसे की मिलेगी, तो आप 150 ml से लेकर के 450 ml तक की सिरप आप मार्केट से ले सकते हैं। तो जो डाबर कंपनी की अश्वगंधा रिस्ट सिरप 450 ml की अगर बात की जाए तो ये आपको 120 रुपये की मार्केट में मिल जाती है। बात की जाए इसके डोज की, तो अश्वगंधा रिस्ट सिरप कितनी मात्रा में लें। अश्वगंधा सिरप सबसे पहले जान लीजिए कि स्त्री पुरुष दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि महिलाएं और पुरुष दोनों लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा रिस्ट सबसे पहले जान लीजिए डोज की, तो ये आपको सुबह शाम 15-15 ml गुनगुने पानी से इस्तेमाल करनी होती है। ये सिरप आप खाना खाने के बाद ही इस्तेमाल करें और इसके इस्तेमाल करने से एक घंटे बाद तक आप कोई भी मीठी चीज़ नहीं खाएं। कभी कभी मीठी चीज़ खाने से आपकी खांसी होने का खतरा रहता है। ठीक, नंबर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या पीरियड के समय महिलाएं इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करें। पुरुषों की अगर बात की जाए तो जिनकी एज 15 प्लस है वह पुरुष इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से इसकी डोज कम बढ़ती भी हो सकती है। और अगर बात की जाए इस सिरप की कि कब कब इसका इस्तेमाल आप करें, तो जब आपकी बॉडी में कमजोरी, थकान, आलस, चक्कर आने जैसी शिकायत हो तब आप इसका इस्तेमाल करें। अगर बात की जाए ये सिरप कैसे काम करती है, तो सबसे पहले समझ लीजिए अश्वगंधा रिस्ट सिरप अश्वगंधा से तैयार की गई है। ये प्योर आयुर्वेदिक सिरप होती है। अश्वगंधा आपकी बॉडी में पहुंचने के बाद आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हृदय को मजबूत करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है और आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी भी प्रदान करता है। तो अश्वगंधा आपको मार्केट में अलग अलग अवस्था में मिल जाता है, जैसे अश्वगंधा की जड़, अश्वगंधा का चूर्ण, अश्वगंधा की टैबलेट और अश्वगंधा के पाउडर। अश्वगंधा की टैबलेट, तो अश्वगंधा अलग अलग रूपों में आपको मार्केट में मिल जाता है और डॉक्टर आपको अलग अलग रूपों में दे देते हैं। अगर आपको शुद्ध अश्वगंधा इस्तेमाल करना है तब आप धनुमल की दुकान पर जाएं और अश्वगंधा की जड़ लें और अपने घर पर लाकर उसको कूटें और उसको 10 ग्राम की मात्रा में अलग अलग खुराकें बना लें और तब आप दूध के साथ इसका इस्तेमाल करें, तो आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग कर देगा और आपकी हड्डियों में अगर चटर पटर की आवाज़ आती है या जोड़ों में दर्द रहता है, गठिया की शिकायत है, तो उस समय भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में समय की दिक्कत को देखते हुए लोगों के पास टाइम नहीं होता है, तो आप मार्केट से हिमालय या डाबर या वैद्यनाथ कंपनी की टैबलेट, चूर्ण और सिरप मिल जाते हैं, तब आप इनको ले लें मार्केट से और यह टाइम के अनुसार इस्तेमाल करें
तब आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अंग्रेजी दवाइयों से बचें और आयुर्वेदिक दवाई इस्तेमाल करें तो आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद ये हो जाएगी।